हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स हनीसकल बुक का पोएम नंबर सिक्स द वंडरफुल वर्ड्स की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। समरी इन इंग्लिश। ऑल पीपल थिंक एज वेल एज स्पीक। सभी लोग सोचते हैं और साथ ही साथ बोलते भी हैं। इट इज़ गॉड स्पेशल गिफ्ट टू मैन। और यही चीज ईश्वर की सबसे अच्छी गिफ्ट है इंसानों को, जो दिया गया है सोचने और बोलने की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एवरी पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट। और हर एक व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलता है अपने जो सोच है, सुविचार है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए। द पॉइंट एडवाइजेज अस टू मास्टर अ लैंग्वेज एटलीस्ट आर मदर टंग। और जो कवि है वो हमें सलाह देते हैं कि हम कम से कम अपनी मातृभाषा को मास्टर करें, अपनी मातृभाषा को अच्छे से जाने। We must not let a great or good thought die because we don't know how to say it। और कभी यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हमें कोई भी जो अच्छा विचार है हमें सिर्फ इसी कारण नहीं छोड़ देना चाहिए ताकि हम उसको अपने शब्दों में ना बोल पाएं। यहाँ पे कभी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो भी great और good thought है, जो अच्छा विचार है, हमें उसे express करना आना चाहिए। कम से कम अपनी मातृभाषा में तो हमें आना ही चाहिए। English is a wonderful and rich language। और इसी में इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा भाषा है। वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट्स इन दिस लैंग्वेज इफेक्टिवली। और कोई भी व्यक्ति इंग्लिश का यूज़ करके अपने जो थॉट्स हैं उसको अच्छी तरह से प्रभावी रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। व्हाट वी नीड इज़ टू लुक फॉर प्रॉपर वर्ड्स टू पुट फोर्थ आवर आइडियाज क्लियरली। और हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो भी थॉट है जो हम शेयर करना चाहते हैं लोगों से, उसके लिए हमें प्रॉपर वर्ड्स आने चाहिए। उसके लिए हमें जो करेक्ट वर्ड्स हैं, सही शब्द हैं, वो हमें आने चाहिए ताकि हम आइडिया को क्लियरली दूसरे तक पहुंचा सकें। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट देर आर नो लवली थॉट्स लेफ्ट टू बी एक्सप्रेस्ड। और जिन लोगों को लगता है कि अच्छे थॉट्स, और ये सोचना भी गलत होगा कि हमारे पास कोई अच्छे थॉट्स ही नहीं बचे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लवली थॉट्स हैं, बहुत सारे अच्छे सोच हैं जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वर्ड्स आर अ वंडरफुल मीडियम टू कम्युनिकेट। जो शब्द हैं वो बहुत ही बेहतरीन माध्यम है कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए। If you have some new and beautiful thing to say, everyone is willing to hear it। और अगर आपके पास बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं कहने के लिए, तो सभी लोग आपको सुनने की चाह रखेंगे। Every thought is like a prisoner in our mind। और कोई भी एक सोच जो हमारे माइंड के अंदर है वो एक कैदी की तरह है। जो भी हम सोचते हैं हमारे माइंड में वो एक कैदी की तरह है। We can set that idea free with the help of words। और जो थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में कैदी की तरह हैं, हम उनको फ्री कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और शब्दों की हेल्प से। इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट द थॉट मे बी मार्वलस। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो थॉट है हमारे माइंड में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, लोगों को ज़्यादा पसंद आए। नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड नोट्स। अब हम वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं। श्रिविल मीन्स श्रिंक या फेड, इसका मतलब सिकुड़ जाना। वॉन्ट मीन्स लैक, कमी या अभाव। ब्राइटेस्ट मीन्स बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ। ग्रूम्ड मीन्स पॉलिश्ड, तराशे हुए। फेड मेड मीनिंगफुल, अच्छा बनाना। फूड मीन्स भोजन। ड्रेस मीन्स क्लोथिंग, पहनावा या कपड़े। बॉडी मीन्स फॉर्म, रूप या आकार। स्विंग मीन्स मूवमेंट, गति। तोड़ मरोड़ या झूला। लॉन्गिंग मीन्स विशिंग, डिजायरिंग, लालसा। फ्रेश मीन्स न्यू, ओरिजिनल, नया, मौलिक। थिंग मीन्स आइडिया, डिस्क्रिप्शन, विचार। फ्री मीन्स लेट आउट, मुक्त करना। प्रिजन बिहाइंड योर आईज मीन्स माइंड, ब्रेन, जिसका मतलब मस्तिष्क। होल्डिंग मीन्स कीपिंग रेडी, रखा हुआ। लवलीस्ट मीन्स मोस्ट इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग, सर्वाधिक सुंदर या प्रभावशाली। मार्वलस मीन्स अद्भुत। न्यू सरप्राइज मीन चौंका देने वाला। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ लेसन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए।
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।